क्यों मानू किसी और के जैसा, जमाने में है कोई नहीं मेरे जैसा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। संघर्ष के राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिन्हें अंधेरे से जंग जीती है सूरज बनकर वही चमकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एबीसी रैंकर एनिमेशन सिखाते हैं। एबीसी रैंकर एक ऐसी प्लेस है जहां पे हम अपने बच्चों को एनिमेशन सिखा सकते हैं। और हमारे पास अभी एक स्टूडेंट है, होनहार स्टूडेंट है, जो एबीसी रैंकर से एनिमेशन सीख रहे हैं, जिनका नाम है जयदेव। वो अभी सिर्फ मात्र 6 साल के हैं और 6 साल में ही उन्होंने एबीसी रैंकर से एनिमेशन सीखा है। एनिमेशन सीखते सीखते ही इतने यंग एज के एनिमेटर होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे एनी वो एक बहुत अच्छा एनिमेशन भी करते हैं। तो आइए आज जयदेव से बात करते हैं। यंग एनिमेटर होने की वजह से जयदेव का जो नाम है वो आइडियल इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो चुका है। तो आज हमने ये इंटरव्यू स्पेशल जयदेव के लिए रखा है। तो जयदेव, आप अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आपको एनिमेशन सीखने का मोटिवेशन मिला, कैसे आपने ये स्टार्ट किया, किसने आपको गाइड किया, कैसे आप एबीसी रैंकर तक पहुंचे, तो आप मुझे इस बारे में थोड़ा बताएंगे? मैम, मेरा नाम जयदेव है और मेरी उम्र 6 वर्ष की है। आगरा के पास एक बरारा गांव है जहां मैं रहता हूँ। और मेरा मेरे मेरे नाम पे दो दो रिकॉर्ड शामिल है, एक फॉरएवर स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड और एक आइडल इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और भारत सरकार ने मुझे मेरी बायोग्राफी ले रखी है। तो आप एबीसी रैंकर तक कैसे पहुंचे, किसने आपको बताया एबीसी रैंकर के बारे में कि आपको एबीसी रैंकर से एनिमेशन सीखना चाहिए? मैम, मुझे मैंने मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक था। मेरे मैंने मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे एनिमेशन करना चाहिए। तो मेरे भाई ने एबीसी रैंकर से मुझे एक कोर्स दिया एनिमेशन का। ओके, तो कैसे लेते हैं आप एनिमेशन की क्लासेस, कैसे लेते हैं? मैम ऑनलाइन ऑनलाइन लेते हैं। तो आप मेरे कितने ओके कितने घंटे की क्लास होती है आपकी? मैम 1 आवर 1 आवर की क्लास होती है। और 1 आवर की क्लास में जैसे एबीसी रैंकर से आप जैसे सीख रहे हैं, तो अभी कुछ चीजें हैं जो आपने एबीसी रैंकर से मतलब एनिमेशन के टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी चीजें आपने बनाई हैं, या ऐसा कोई आपने कोई वीडियो बनाया हो इस यस तरह की? ठीक है, इस तरह की चीजें जो आपने बना रखी है वो चीजें आप मेरे साथ शेयर करना, तो उसको भी मैं इस इंटरव्यू में एड ऑन करने की कोशिश करूंगी। तो आप मुझे ये बताइए कि एबीसी रैंकर से अगर आपको कहीं पे बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो कैसे आपको हेल्प करता है एबीसी रैंकर? मैम सर से पूछ लेता हूँ कोई डाउट होता है तो। ओके, तो वो डाउट आपके कैसे क्लियर करते हैं? मैम सर बता देते हैं सर क्लास में। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अभी एनिमेशन में अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं? एनिमेशन में जैसे अभी आपने बताया कि आपको ड्राइंग का बहुत अच्छा शौक था, तो आगे चल के एनिमेशन में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ आपने सोच के रखा है कि नहीं मुझे एनिमेशन में ये पर्टिकुलर कोई एक चीज करनी है? मैम मेरा ड्रीम है एक वर्ल्ड का बेस्ट एनिमेटर बनना। और ओके, तो वर्ल्ड के बेस्ट तो अभी आप बन चुके हैं, बिकॉज अभी 6 इयर्स की एज में ही आपने अपना जो नाम है वो इंडियन आइडल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया है। तो अभी तो आपकी शुरुआत हो गई है और अभी आपकी एज भी मतलब एज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर अभी 6 इयर्स में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है कि आगे चल के आप जो है जो आप वर्ल्ड के बेस्ट एनिमेटर बनना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। तो मैं आपकी फैमिली से बात करना चाहूंगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
मैम, मेरी फैमिली में मेरे भैया हैं और मेरे पिताजी हैं और मेरी माता जी पास। ओके, तो क्या मैं आपके पिताजी से बात कर सकती हूँ? यस जी नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? मैम। सर थोड़ा जयदेव के बारे में बताइए कि कैसे इसको आपने एनिमेशन के लिए मोटिवेट किया और कैसे एबीसी रैंकर को आपने ढूंढा और कैसे कैसे करके सर अभी तक की जर्नी रही है सर एनिमेशन की। अच्छी रही जयदेव की। और ये एक्चुअली क्या था कि इनको ड्राइंग का बहुत शौक था, बहुत छोटे थे तो कुछ जी कुछ मुझे बनाते रहते थे पेपर पर, तो हमें लगा कि चलो बच्चे का जितना इंटरेस्ट उसमें बढ़ावा देना चाहिए, तो हमने के लिए ड्राइंग लाते गए जो करते करते गए। फिर अपने आप ही ये थोड़ा यूट्यूबर से है, अपने का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कहा कि पापा मैं एनिमेशन सीखना चाहता हूँ, तो इसके बड़े भाई ने हेल्प की थी, यूडेमी से उन्होंने कई कोर्स कर रखे थे कंप्यूटर में, तो सर एक देखा था उन्होंने, तो विवेक सर का एबीसी करके एक बैच मिला ऑफलाइन का, तो इसने पूरा कर लिया कुछ ही दिनों में। तो फिर सोचा कि क्यों ना लैब कराया जाए, तो उन्हीं सर का नंबर मिल गया विवेक सर का, पता चला कि इनकी एबीसी रैंकर चलाते हैं, अब ये लैब ले रहे हैं, तो काफी कुछ इन्होंने बनाए हैं। और इनका ड्रीम भी है कि वर्ल्ड का नंबर वन एनिमेटर बनना। इनके पास करीब करीब 20 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग और आपका एबेकस। एबेकस में। अभी इनको रिसेंटली मिलने जा रहा है 26 फरवरी को नासिक में, नागपुर में इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड मिलने जा रहा है। और इनकी एक और अच्छी जी उपलब्धि आने वाली है 26 फरवरी को, भारत सरकार की मैगजीन है गंगोत्री, जिसमें इनकी बायोग्राफी गई है, रिलीज होगी 26 फरवरी को, और वो मैगजीन भारत सरकार की जितनी लाइब्रेरी में रखी जाती है। धन्यवाद। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको कि जयदेव ने अभी इतनी कम एज में, तो कैसा फील होता है सर आपको? तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा अच्छा करता है, तो हर माँ बाप, मुझे नहीं हर माँ बाप खुशी होगी बच्चा इस एज में या किसी एज में अच्छा करता है। तो बड़े भाई कोडिंग मास्टर हैं, हाँ, तो वो उनके कई न्यूज पेपर में कई में छपते रहते हैं वो, तो इन्हें लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, उन्हें देख देख करके ने कुछ नया करने की कोशिश की इन्होंने, तो हमने सपोर्ट किया और अच्छा कर रहे हैं, और इनको जब विवेक सर मिल गए हैं तो अच्छे करेगा। बिल्कुल सर, एबीसी रैंकर जैसे इनका सपना है कि बेस्ट एनिमेटर बनना है, हम बिल्कुल इनके साथ हैं सर, पूरा इनको सपोर्ट करेंगे। और बेस्ट अभी जैसे भी है कि अभी तक जैसे इन्होंने बेस्ट किया है, मैं कुछ थोड़ी देर में सर इनमें वीडियो में जो इनकी जो एनिमेशंस है वो भी मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगी कि ये चीजें इन्होंने बनाई है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि जी एबीसी रैंकर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब एनिमेशन जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए ही है, एनिमेशन में हमारे साथ फीमेल्स बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हमारे साथ हैं जो एनिमेशन सीख रही हैं, एनिमेशन सीख के बहुत अच्छा कर रही हैं। तो एनिमेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सब लोग यूज कर सकते हैं, अगर किसी का भी इंटरेस्ट है तो वो भी एनिमेशन सीख सकता है, और इन फ्यूचर में एनिमेशन का बहुत ज्यादा स्कोप होने वाला है। तो सर बस मैं आपसे इतना ही, बाकी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो सर आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बस ये क्या करूंगा, बस बच्चे का अपने एक इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और बच्चे ऐसे इंटरव्यू से बच्चों को एक उत्साह बढ़ता है। इसका ड्रीम था कि मैं पर्दे पे कब आऊंगा, तो छोटे बड़े बेटा तो कई बार चुका है, खुश होता है, मैंने कहा बेटा तेरा इंटरव्यू होगा तो खुश हो गया, तो रात भर मेहनत करता रहा, और सर जो काम देता काम बखूबी करता है और एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करता है। ठीक है सर। सर मैं विवेक सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि विवेक सर आप भी कुछ इसमें ऐड ऑन कीजिए, ताकि जैसे सर ने बताया कि उनको काफी मोटिवेशन है, तो आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे विवेक सर? थैंक यू सर, आपने एबीसी रैंकर को ज्वाइन किया। और जब हम एबीसी रैंकर को हम स्टार्ट कर रहे थे तो मेरा यही मकसद था हमेशा, हम ऐसे स्टूडेंट को लेके आए जो बिल्कुल गांव घर से बिलोंग कर रहा हो और अपने स्टडी को है ना डबल ट्रिपल है ना बूस्ट करे वो। तो आप फर्स्ट ऐसे एनिमेटर बने हैं जयदेव, जो है ना इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाए हैं, और ऐसे ही आने वाले कल में है ना ऐसे ही हम ऐसे ही अच्छे से अच्छे एनिमेटर हम देंगे। वेलकम थैंक यू सर। जयदेव, ठीक ये है सर। बताइए आने वाले जो स्टूडेंट है जो एनिमेशन सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्या मैसेज दूंगा सर? आपने जो स्ट्रगल किया है, क्योंकि इतना कम एज में आप काफी अचीव किए हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसा पार्ट जो आने वाले पीढ़ी को दे, उससे कई गुना लाभ मिले, वो आप बात शेयर कीजिए।
जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह एनिमेशन सीखना चाहते हैं, या और भी आपकी फ्रेंड फैमिली में कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोई मैसेज, आई नो अभी आप बहुत छोटे हो, आप कह रहे हो कि अभी मैं बच्चा हूँ, तो लेकिन आप जैसे एनिमेशन सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में भी रहता होगा कि नहीं एनिमेशन सीखना चाहिए, या इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप इस लाइन में हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। कोई भी फील्ड हो, मेहनत तो करनी पड़ती है, अगर जो भी चीज कठिन होगा अगर उसको मन से करें तो वह चीज बहुत आसान है। अच्छा ये बताइए जयदेव, जब कभी कभी एनिमेशन करने में काफी कठिनाई होती थी तो उस चीज को आप हैंडल कैसे करते थे? मान के चलो कोई एनिमेशन आप बन सर मैं आपके लेक्चर देख लिया करता था सर, कोई डाउट हुआ करता था ओके ओके थैंक यू तो थैंक यू। लेक्चर में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। यस मैम। ओके, उसमें आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि नहीं ये वाली चीज है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाली चीज थोड़ा अगर इसको लाइव हम सीखना चाहें तो, मतलब जिस तरह से जो लेक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, मतलब कभी आपको सर तक भी रीच करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से ही मिल गई। वैसे तो हमारे आपके पास एक्सेस है कि आप लाइव भी उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सारी चीजें हैं, बट आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो लेक्चर से ही क्लियर आउट होगी। सर हम आपसे दो क्वेश्चन करना चाहेंगे, बताइए खासकर सर। अभी के समय में जो पेरेंट का फोकस रहता है बिहार यूपी में, जी मैक्सिमम केस में रहता है भैया आप सरकारी नौकरी कर लो, जी क्योंकि सरकार एनिमेशन में सरकारी जॉब तो मिलती नहीं है, नहीं तो मिलती आप अपने सर। बच्चे को एनिमेशन ही क्यों सिखाए आप? सर मेरा एक एनिमेशन ही नहीं, मेरे दो बेटे हैं और मैंने कभी ये नहीं कहा कि तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ और बनना है। मेरे मेरा मानना यह है कि ऊपर वाले ने हर किसी को एक अनुरोध साथ भेजा है, राइट बस हमें राइट वो जरूरत है तराशने की। तो बड़े बेटे को कोडिंग का लॉजिकल स्किल्स थी तो मैंने उसको कोडिंग में भेजा, वो भी 12 साल का है, 12वीं पढ़ रहा है, 400 से अधिक अवार्ड जीत चुका है। और छोटे बेटे का ड्रॉइंग में इंटरेस्ट था तो मैं ड्रॉइंग में बढ़ाया इसको। सर स्कोप तो सब अच्छे हैं, हमारी सोच है ना कि मेंटल बन चुकी है कि सरकार जॉब होनी चाहिए, मेरा मानना नहीं है। कोई फील्ड ले लो, अगर आपकी महारत हासिल है ना आपको, सब फील्ड अच्छे हैं। राइट राइट। मैं अच्छा सोचा आने मैं तो वाले इसी बारे जो में अभी आपसे। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी देख रहे हैं, 5 साल 6 साल से सरकारी जॉब में लगे हुए हैं, लगने के बावजूद फिर सोचते नहीं अब नहीं होने वाला, चलो आप कुछ प्राइवेट जॉब कर ले, लोग ऐसा हम देखते हैं, अधिकांश देखते हैं, तो क्या उस वैसे पर्सन को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर मैसेज मैं देना चाहूंगा कि समय को खराब ना करें, राइट जैसे अपने जो भी अपनी एकेडमिक खत्म की अपनी, उसके बाद तुरंत कोई जॉब मेरे पकड़ लेनी चाहिए, सेक्टर कोई सा भी हो, इंटरेस्ट है किसी का ड्राइंग में तो ड्राइंग में जाए, किसी का कंप्यूटर कंप्यूटर में जाए, बस ये ना करें कि मैं तैयारी कर रहा हूँ 2 साल 4 साल उसके बाद फिर रोड पे आ जाते हैं, वो ना करना चाहिए। यानी स्कूलिंग खत्म होते तुरंत कहने के जाना चाहिए, सेक्टर कोई भी हो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जयदेव, आप हमारे साथ आए, मुझे मौका मिला आपको इंटरव्यू करने का। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही हूँ जिनका जो है कि आइडल इंडियन आइडल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है, तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप जैसे पर्सन का बात करी। और सर आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपसे भी बात करने का मौका मिला। वो ओके सर, लंदन से बहुत है। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, हम उम्मीद करते हैं और सर मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं आपके साथ कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में सर जयदेव के बहुत सारे नाम हो, तो अगर मुझे पर्सनली मौका मिलेगा तो मैं एबीसी रैंकर में, हम पर्सनली जयदेव को एबीसी रैंकर में बुला के वहां पे अवार्ड से सम्मानित करना चाहेंगे सर। ओके सर, थैंक ये यू। तो सौभाग्य होगा कि ये बच्चे का सौभाग्य होगा, आप उसको बुलाएंगे एबीसी रैंकर में, और मैं तो बहुत दिन समझूंगा कि बहुत खुशनसीब होगा बच्चा कि सर के ऑफिस में जाएगा और आप उसको बुलाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, अभी हम थोड़ा सा प्लान करते हैं जयदेव को ऑफिस में बुला के, हम वहां पे जयदेव को सर जरूर किसी अवार्ड से सर वहां पे सम्मानित करना चाहेंगे। बहुत दिन इंतजार करेंगे हम, सर इसको सिलाके बनाए, हम तो चाहते हैं। अब मैंने जयदेव को सौंप दिया है वो सर को, जयदेव आपको करना है, बच्चों को सिखाना है, तो हम तो सर जीरो जानते कुछ नहीं है सर। अच्छा बताते, मैं कल क्लास में बैठता हूँ ना, वो खुशी होती है कि ऐसे भी टीचर हैं जो कॉन्सेप्ट को डीपली समझाते हैं,
मैं भी टीचर हूँ, मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, पर टीचर से बहुत कम है जो पढ़ाए बच्चों को फील के साथ, बच्चों फील आ जाए, जब को क्लास लेने के बाद में वो टेंशन नहीं, अमल तुरंत कर लेता है, सर ऐसे समझाते हैं। तो तारीफ करूंगा सर की कि आज के समय में ऐसे भी गुरु हैं। शिष्य को पुराने जमाने में थे ना द्रोणाचार्य, और वो इस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो खुश नसीब हूँ कि पहली बार में ही सर्च किया और हमें ये सर मिल गए। सर आपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है सर एबीसी रैंकर के ऊपर, तो अब एबीसी रैंकर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आने वाले स्टूडेंट है और जो अभी स्टूडेंट उनके साथ सीख रहे हैं उनको डीपली सिखाया जाए, सारे कोर्सेज में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बट फिर भी अब एबीसी रैंकर की कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो भी स्टूडेंट के पास आए उनको अच्छे से सारी चीजें सिखाई जाए। थैंक यू सो मच सर, बात थैंक यू है। सो मच सर, थैंक यू मैम। आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच जयदेव, अरे मैम, विश यू ऑल द आपका बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर में आप बहुत बड़ा नाम करो और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगी, ठीक है सर? बिल्कुल मैं मैम, मोस्ट एबी, वेलकम। हाँ ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ठीक एबीसी है। रैंकर।